हेलो फ्रेंड्स, सिक्योरिटीज़ मार्केट बेसिकली ऐसी मार्केट होती है जहां पर 365 डेज़ या उससे ज़्यादा समय के लिए पैसों को उधार में लिया और दिया जाता है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सिक्योरिटीज़ मार्केट में पैसों को उधार पर लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी के रूप में शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू करने होते हैं। यानी सिक्योरिटीज़ मार्केट में पैसे रेज करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो हैं शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बॉन्ड्स को कवर कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिबेंचर्स और शेयर्स की। तो डिबेंचर्स और शेयर्स के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि डिबेंचर्स के केस में आप पैसे बोरो करते हैं, जबकि शेयर्स के केस में आप पार्टनर्स बनाकर अपनी कंपनी के लिए पैसा रेज करते हैं। तो अगर मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझे 365 डेज या उससे ज़्यादा समय के लिए पैसा उधार देने के लिए तैयार है, तो मैं उसे अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू करूँगा और उसके बदले उस पर्सन से 4 लाख रुपये बोरो कर लूँगा। डिबेंचर्स के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती हैं। मैं उसके अंदर मेंशन करता हूँ कि मैं ये पैसा उस इंसान को कितने समय में लौटाऊँगा और उस पैसे पर हर साल कितना इंटरेस्ट पे करूँगा। और ये जो डिबेंचर्स होते हैं ये कई सारे टाइप्स के होते हैं। मैंने जो डिबेंचर इशू किया है वो किस टाइप का है ये डिपेंड करता है दो कंडीशंस पर। पहली कंडीशन ये है कि अगर किसी कारणवश डिबेंचर में मेंशन टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर मैं नहीं पे कर पाता हूँ, तो क्या जिस इंसान को मैंने डिबेंचर्स इशू किए हैं क्या वो मेरी कंपनी के एसेट्स को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है? अगर कर सकता है तो इसे कहा जाएगा सिक्योर्ड डिबेंचर, और अगर नहीं कर सकता तो इसे कहा जाएगा अनसिक्योर्ड डिबेंचर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंसान इस तरह के अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहा है वो एक बड़ा रिस्क ले रहा है, और हाई रिस्क इक्वेट्स टू हाई रिवार्ड। और यही कारण है जिसकी वजह से अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स के केस में ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मेरी कंपनी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग जाए, तो क्या जिस इंसान के पास इस कंपनी के डिबेंचर्स हैं उसके पास ये ऑप्शन होगा कि क्या वो इन डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करा पाएगा? इसके बेस पर डिबेंचर्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है: कन्वर्टिबल डिबेंचर, सेमी कन्वर्टिबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर अगर आप होल्ड करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि जब ये डिबेंचर मैच्योर हो जाएगा तो आप इस डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के केस में, इसीलिए इसे ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर यानी OFCDs भी कहा जाता है। तो अब तक के इस डिस्कशन में हम लोगों ने समझा कि अगर मैं एक नई कंपनी सेटअप करना चाहता हूँ या फिर एक नया प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो वो पैसे मैं डिबेंचर्स के थ्रू कैसे रेज कर सकता हूँ। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, यानी वो ऑप्शन जिसमें कुछ लोगों को मैं अपनी कंपनी की पार्टनरशिप ऑफर कर सकता हूँ और उसके बदले उनसे पैसे ले लेता हूँ। इस केस में मुझे ये पैसा वापस नहीं लौटाना पड़ेगा, बट कंपनी के लॉस या प्रॉफिट में इनकी भी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि मैंने इन लोगों से पैसा रेज करते वक्त अपनी कंपनी के शेयर्स इशू किए हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, शेयर्स जो हैं वो कॉरपोरेट मार्केट के एक इंस्ट्रूमेंट हैं, और इसीलिए ये लोग हुए इंस्ट्रूमेंट परचेजर। और क्योंकि अपनी कंपनी के शेयर्स बेचकर कैपिटल मैं रेज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं हुआ कैपिटल रेजर। और ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी ट्रांजैक्शन कैपिटल रेजर और इंस्ट्रूमेंट परचेजर के बीच में होता है तो उसे प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। प्राइमरी मार्केट में इस तरह के कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिनके बेस पर आप लोगों को अपनी कंपनी की पार्टनरशिप ऑफर करके पैसा रेज कर सकते हैं: एंजल इन्वेस्टिंग, VC फंडिंग, राइट्स इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इश्यूज। ये सब ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू प्राइमरी मार्केट में पैसा रेज किया जा सकता है। जब हम लोग बात करते हैं पब्लिक इशू की, तो यहाँ पर बात हो रही है IPO की, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की। बेसिकली पब्लिक इशू के बाद ही आप अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हो। हालांकि स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाने के बाद भी आप अपनी कंपनी का पब्लिक इशू ला सकते हो, और इस पब्लिक इशू को कहा जाएगा FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। बट ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करनी है तो आपको इन सारे तरीकों को स्टेप वाइज फॉलो करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप ये सारे स्टेप्स को स्किप करते हुए डायरेक्टली भी पब्लिक इशू ला सकते हो और अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा सकते हो। चलिए इन सभी प्राइमरी मार्केट के तरीकों को डिटेल में कवर करते हैं, और शुरुआत करते हैं एंजल इन्वेस्टिंग से। देखते हैं कि एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली ऐसा इंसान होता है जो काफ़ी अर्ली स्टेज में हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है।
इनफैक्ट एंजल इन्वेस्टर उस स्टेज में भी हमें पैसा दे देते हैं जब हमारे पास कंपनी के नाम पर सिर्फ एक आइडिया होता है। हालांकि ये लोग एक स्मॉल अमाउंट ही इन्वेस्ट करते हैं और इसीलिए इसे सीड कैपिटल कहा जाता है। इस सीड कैपिटल की मदद से आप अपनी कंपनी का पहला प्रोडक्ट तैयार करते हो जिसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहा जाता है। एंजल इन्वेस्टर्स इस कैपिटल के बदले आपकी कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं जिसे इक्विटी या फिर शेयर्स कहा जाता है। तो अगर एक एंजल इन्वेस्टर सीड कैपिटल के बदले 20% इक्विटी लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास आपकी खुद की कंपनी की सिर्फ 80% इक्विटी बची है। एंजल इन्वेस्टर्स की कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये हमारी कंपनी में बहुत ही अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग जनरली अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं और क्योंकि ये लोग आइडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कई बार इस आइडिया को सक्सेसफुल होते हुए देखने के लिए ये लोग अपनी मेंटरशिप और अपनी एक्सपर्टीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक एंजल इन्वेस्टर एक आउटसाइडर ही हो। बेसिकली जब आपके पास कोई आइडिया होता है और आप अप्रोच करते हो अपने फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स को, तो वो अगर आपके आइडिया में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो उनको भी एंजल इन्वेस्टर ही कहा जा सकता है। तो मान के चलते हैं कि आपने जो पैसा एंजल इन्वेस्टर से उठाया है उसके बेस पर आपने एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तैयार कर लिया है। अब आप चाहेंगे कि इस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लॉन्च करें और देखें कि इस प्रोडक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं। अगर लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो आपको और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने होंगे और आपको मार्केटिंग पर भी बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा। तो इसके लिए आपको पहले से भी बड़ी कैपिटल रेज करनी होगी और इसके लिए आप किसी VC फर्म को अप्रोच कर सकते हैं। VC फर्म यानी वेंचर कैपिटल फर्म, ये बेसिकली ऐसी फर्म्स होती हैं जहाँ पर कई सारी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने अपना पैसा डाला होता है और इस पैसे के पूल को मैनेज करने के लिए एक VC फंड मैनेजर होता है। VC फंड मैनेजर अलग अलग कंपनीज में इस पैसे को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाता है। तो अगर VC फंड मैनेजर आपकी कंपनी के विजन के साथ अलाइंड है तो वो आपकी कंपनी में भी ढेर सारे पैसे इन्वेस्ट कर सकता है और बदले में आपकी कंपनी की इक्विटी ले लेता है। तो अगर VC फर्म आपकी कंपनी की 20% इक्विटी ले ले तो आपके खुद के पास सिर्फ 60% इक्विटी बचेगी। आप VC फर्म से कई सारे राउंड्स में पैसे रेज कर सकते हैं और आप मल्टीपल VC फर्म से भी पैसे रेज कर सकते हैं। और सिंपल सी बात है कि आप जितने भी लोगों को अपनी कंपनी की इक्विटी देंगे वो सब आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाएंगे, इंक्लूडिंग यू। बट इसके बाद भी अगर आपको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो आप राइट्स इशू भी कर सकते हैं। राइट्स इशू बेसिकली एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर आप अपनी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक और अपॉर्चुनिटी देते हो कि वो आपकी कंपनी में और ज़्यादा एडिशनल शेयर्स को बाय कर लें एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब मान लीजिए कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है 100 करोड़ और आप अपने शेयर होल्डर्स को ये ऑफर देते हो कि वो 80 करोड़ की वैल्यूएशन पर आपकी कंपनी के कुछ और शेयर्स बाय कर सकते हैं। तो इस तरह आप इन शेयर होल्डर्स से और ज़्यादा पैसा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करा सकते हो और अपनी इक्विटी से कुछ और परसेंटेज डाइल्यूट कर सकते हो। लेट्स से आप इस प्रोसेस में 10% इक्विटी डाइल्यूट करते हो तो इसके बाद आपके पास जो टोटल इक्विटी बची वो है 50%। तो ये जो प्रोसेस है जब हम अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से और ज़्यादा पैसा रेज कर लेते हैं इसे ही राइट्स इशू कहा जाता है। और जैसा कि हमने कहा कि इसमें से कोई भी स्टेज मैंडेटरी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको राइट्स इशू करना ही पड़ेगा। खैर जो भी हो, आपने राइट्स इशू किए और आपने अपने इक्विटी में से 10% और ज़्यादा डाइल्यूट कर लिया और अब आपके पास जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास टोटल 50% इक्विटी है और आपके पास भी 50% इक्विटी है। अब नेक्स्ट स्टेज है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट आप बेसिकली तब करते हो जब आपकी कंपनी ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और आप चाहते हो और ज़्यादा पैसा रेज करें लेकिन आप पब्लिक नहीं जाना चाहते हो। आप ये अपॉर्चुनिटी कुछ ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को देना चाहते हो जो कि आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस ग्रुप के पास जा सकता हूँ, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जा सकता हूँ या फिर कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास डायरेक्टली जा सकता हूँ और उनसे डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकता हूँ कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है और इस प्राइस पॉइंट पर मैं आपको कंपनी के शेयर्स देने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह की जो डील्स होती हैं इन्हें कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। इन डील्स में हम लोग कुछ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज करते हैं और इसके बदले इन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को इक्विटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह हम अपनी कंपनी में अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करते हुए अपनी कंपनी के लिए और ज़्यादा कैपिटल रेज कर पाते हैं। पब्लिक ऑफरिंग के कंपैरिजन में प्राइवेट प्लेसमेंट के कई सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें खर्चा कम होता है और आप कम समय में कैपिटल रेज कर पाते हैं।
अगर आप पब्लिक इशू रेज करते हैं यानी आईपीओ लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करना होता है, लोगों को कंपनी के बारे में बताना होता है, न्यूज़पेपर में ऐड देने होते हैं और ऐसी कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसमें बहुत सारा खर्चा होता है। और साथ ही साथ आईपीओ का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। बट प्राइवेट प्लेसमेंट्स के केस में क्या होता है कि आप डायरेक्टली किसी कंपनी के ओनर से मिले और वो आपकी कंपनी के विज़न से अलाइंड है, तो एक दो मीटिंग में ही आपको पैसा मिल जाता है और पूरी चीज़ एक नेगोशिएशन के बेस पर होती है। दोनों ही पार्टीज़ के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होती है। तो इस तरह प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू आप पैसा रेज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदता है वो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। और अब ऐसा भी नहीं है कि आप फिर से राइट्स इशू नहीं कर सकते, आप फिर से चाहें तो राइट्स इशू भी कर सकते हैं। ऐसा कोई सीक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है कि आपको इस स्टेप के बाद यही स्टेप करना है, लेकिन हाँ एंजल इन्वेस्टर्स और वीसी फंडिंग्स जो हैं वो बेसिकली इनिशियल स्टेजेस में ही की जाती हैं। आप प्राइवेट प्लेसमेंट्स या फिर राइट्स इशू मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं और एक के बाद एक करते रह सकते हैं। और जो नेक्स्ट मेन स्टेप है वो है पब्लिक इशू। आप अगर चाहें तो आप अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिकली अवेलेबल करा सकते हैं ताकि जनरल पब्लिक भी आपके शेयर्स को खरीद पाए। तो अगर आप पब्लिक इशू करते हैं तो आप सबसे पहले आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाते हैं। पब्लिक इशू के तुरंत बाद आपको अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना होता है ताकि जिन लोगों के पास आपकी कंपनी के शेयर्स हैं वो अपने शेयर्स बेच सकें और नए लोग अगर चाहें तो आपकी कंपनीज के शेयर्स खरीद पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले आईपीओ, एफपीओ और डिफरेंट टर्म्स और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सथावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सथावा।